शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए, आनंदमय और सुखी जीवन जीने के लिए हमारे डेली रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइजेस जरूर होनी चाहिए। पहले के समय में लोगों को अलग से समय नहीं निकालना पड़ता था कि एक्सरसाइज करें, उनके डेली रूटीन में ही एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती थी। उनको एक जगह से दूसरे जगह यदि जाना होता था या तो पैदल चलकर जाते थे या साइकिल का प्रयोग करते थे, साइकिल चला कर जाते थे। उनको कोई भी काम करना हो तो फिजिकली करते थे, इसलिए उनको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज की व्यस्त दिनचर्या और फिजिकल एक्टिविटी की कम होने की वजह से हमें प्रतिदिन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक एक्सरसाइज के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। डेली एक्सरसाइज नहीं करने से शरीर पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, हमें बहुत तरह से नुकसान होता है। ऐसे कुछ नुकसान के बारे में आप एक बार जान लेंगे तो प्रतिदिन एक्सरसाइज किए बगैर नहीं रहेंगे। आइए देखते हैं प्रतिदिन एक्सरसाइज नहीं करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस का बढ़ना, जब हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करना बंद कर देते हैं तो हमारे मसल्स और जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, इनकी मोबिलिटी कम हो जाती है। एक्सरसाइज करने से जो एक कॉन्फिडेंस आता है उसको हम धीरे धीरे लूज करने लग जाते हैं। हमारा शरीर इनएक्टिव हो जाता है, हम आलसी हो जाते हैं, जिससे अपने दिन प्रतिदिन के काम को भी पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। जो डेली के वर्क प्रेशर, वर्क लोड को पूरा नहीं कर पाने की वजह से, उसको डील नहीं कर पाने की वजह से डिप्रेशन और स्ट्रेस में बदलने लग जाता है। ब्लड प्रेशर, एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेंस, ये स्टिफ हो जाती हैं, ये अपनी इलास्टिसिटी लूज करने लग जाती हैं, जिससे जो शरीर में जो हमें एक प्रॉपर बैलेंस में ब्लड का प्रेशर चाहिए होता है उसको मेंटेन करने में ये असफल होने लग जाती हैं, उसमें फेल होने लग जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर हाई या लो होने का चांस बनने लग जाता है। मसल्स का श्रिंक होना, जब हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो हमारा मसल मास रेशियो बदलने लग जाता है। फाइबर जो फैट को बर्न करने में काम करता है, जिनकी क्षमता होती है कि वो फैट को बर्न करें, वो अपनी इस क्षमता को लूज करने लग जाता है, जिससे शरीर में मसल्स और फैट का रेशियो बदलने लग जाता है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि शरीर का स्ट्रेंथ कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम करने के बाद ही थकान महसूस होने लगता है। बोन्स का वीक होना, यानी हमारा स्केलेटन सिस्टम वीक हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बोन्स की डेंसिटी इम्प्रूव होती है, उसकी इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, जिससे बोन ब्रिटल नहीं होने पाता। इस वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होते हैं और ओल्ड एज में जॉइंट्स पेन से होने वाली समस्या से बच पाते हैं। यदि एक्सरसाइज करना बंद कर दें तो हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं। वेट का बढ़ना, फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं करने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से जो एक्स्ट्रा कैलोरी हमारे बॉडी में होती है वो फैट में कन्वर्ट होने लग जाती है। यह एक्स्ट्रा फैट हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है, जो वजन बढ़ने का यानी वेट बढ़ने का एक मुख्य कारण बनता है। इम्यून सिस्टम का वीक होना, फिजिकल एक्टिविटी के कम होने की वजह से, फिजिकल एक्सरसाइजेस के नहीं होने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स तक न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंचते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, होने के चांसेस बनते हैं। इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए, इनसे बचने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेज हमारे डेली लाइफ का एक रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। जो हो सकता है जिम की एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, या योगा हो, स्विमिंग भी हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज हमें ज़रूर करना चाहिए।